हेलो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को बेंगलोर के टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में, जो सभी क्षेत्र में बेस्ट माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 10 बेंगलोर के कॉलेज के बारे में। तो दोस्तों, पहले स्थान पे आपको आता है सबसे बेस्ट कॉलेजेस में आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। दोस्तों, इसका फाउंडेड आपको 1963 ईस्वी में हुआ था। ये हायर एजुकेशन के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है। दोस्तों, इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम कॉमटेक यूजेट के सेट एग्जाम देने होंगे। दोस्तों, ये इस कॉलेज में आपको अच्छा प्लेसमेंट भी होता है। तो दोस्तों, दूसरे स्थान पर आपको आता है रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में देखने को मिलता है। इसका एस्टेब्लिश आपको 1962 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, इसका स्थापना 1962 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, इसका एंट्रेंस एग्जाम की बात बता दो तो कॉमटेक KEA है। इस कॉलेज में आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग MBA MCA और PhD कर सकते हो। इस कॉलेज में भी आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलेंगे। तो दोस्तों, तीसरे स्थान पे आपको आता है BMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना आपको बता दूं तो 1946 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, ये कॉलेज आपको बेंगलोर के अंदर सबसे लार्जेस्ट स्टूडेंट पढ़ता है। इसमें इसकी एंट्रेंस एग्जाम की बात बता दूं तो कॉमटेक यूगेट केसेट एंट्रेंस एग्जाम है। दोस्तों, ये भी कॉलेज में आपको अच्छा प्लेसमेंट, अच्छी कंपनीज की प्लेसमेंट होती है, तो ये भी कॉलेज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। दोस्तों, चौथे स्थान पे आता है बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आपको बीबीपुरम बेंगलोर में देखने को मिलता है। इसकी स्थापना आपको 1979 ईस्वी में हुआ था। इसके एंट्रेंस एग्जाम की बात बता दो तो कॉमटेक यूगेट केसेट जेई मेन्स एग्जाम देके आप इसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट PhD और भी कोर्सेज के लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है। इस कॉलेज में भी अच्छा प्लेसमेंट होता है कंपनीज की, तो ये भी कॉलेज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। दोस्तों, पांचवें स्थान पे आता है PES यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना आपको 1972 ईस्वी में हुआ था। इसके एंट्रेंस एग्जाम की बात बता दूं तो PSET KSET। इस कॉलेज में भी आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलता है कंपनीज की, इसमें आप एडमिशन करवा सकते हो। दोस्तों, छठे स्थान पे आता है आपको दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इसकी स्थापना आपको 1979 ईस्वी में हुआ था। इसमें एंट्रेंस एग्जाम की बात बता दूं तो DSET CTET CAT कॉमटेक जैसे एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। इस कॉलेज में भी आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलता है। दोस्तों, सातवें स्थान पे आपको देखने को मिलता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये कॉलेज आपको इलेक्ट्रोसिटी बेंगलोर में देखने को मिलता है। इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में हुआ था। इसकी एंट्रेंस एग्जाम की बात बता तो जेई मेन्स दे के आप इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। दोस्तों, इस कॉलेज में BTech के लिए बहुत ही बेहतरीन कॉलेज माना जाता है। इसमें अच्छा कंपनीज की प्लेसमेंट होती है, तो आपके लिए ये कॉलेज बहुत ही बेस्ट होगा। दोस्तों, आठवें स्थान पे आपको आता है न्यू होरिजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इसकी स्थापना की बात बता तो 2001 में इसकी स्थापना हुआ था। इस कॉलेज में आपको एंट्रेंस एग्जाम KSET KRL MPCA और UGSET एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे। इस कॉलेज में आपको BTech MCA प्रोग्राम UG PG लेवल और PhD MSc रिसर्च के लिए बहुत ही बेहतरीन कॉलेज माना जाता है। इस कॉलेज में भी आपको बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिलता है, इसमें आप एडमिशन करवा सकते हो। तो दोस्तों, नौवें स्थान पर आपको देखने को मिलता है यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। दोस्तों, इसकी स्थापना 1917 ईस्वी में हुआ था। इसमें आपको BE MBA MCA MTech जैसे कोर्सेस कर सकते हैं। इसमें एंट्रेंस एग्जाम की बात बता दूं तो आपको KSET एग्जाम देके इस कॉलेज में आप एडमिशन करवा सकते हो। इसमें भी कैंपस प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही कम टॉप कंपनीज की प्लेसमेंट होती है, तो आपके लिए ये बेहतरीन कॉलेज माना जाता है। दोस्तों, बेंगलोर के अंदर आपको सबसे बेस्ट कॉलेज में दसवें स्थान पर आपको आता है रीवा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसकी स्थापना आपको 2002 में हुआ था। इसके एंट्रेंस एग्जाम की बात बता तो KSET देके आप इस कॉलेज में आप एडमिशन कर सकते हो। इस कॉलेज में भी आपको BTech MBA MCA MTech के लिए बेहतरीन कॉलेज माना जाता है, और इस कॉलेज में भी आपको कैंपस प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी टॉप कंपनीज की आती है, आपके लिए भी बेहतरीन कॉलेज माना जाएगा। तो दोस्तों, मैं बताया आज आपको बेहतरीन कॉलेज में बेंगलोर का, जो कि कर्नाटका में आता है। दोस्तों, बेंगलोर को IT सिटी भी कहा जाता है, तो इसमें आपको जाने के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। तो आप बेंगलोर में ये टॉप 10 कॉलेज चूज करके आप एडमिशन करवा सकते हो। ये सारे कॉलेज में आपको टॉप कंपनीज की प्लेसमेंट होती है, जैसे कि इंफोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, अमेजन, टाटा, TCS,
और भी टॉप कंपनीज की आपको प्लेसमेंट देखने को मिलता है, तो आपके लिए ये कॉलेजेस आपके लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। तो आप अगर बेंगलोर में एडमिशन करवा सकते हैं तो टॉप 10 कॉलेजेस था ये। दोस्तों कैसा लगा वीडियो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।